अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। गुरुदेव हम लोगों के लिए बहुत विद्वान हैं, ख्याति लब्ध भारतीय दर्शन में, ज्योतिष शास्त्र में के मर्मज्ञ विद्वान हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे हुए हैं। इनकी कई पांडुलिपियां भी हैं, इन्होंने कई पांडुलिपियों पे भी कार्य किया है, कई महत्वपूर्ण सम्मान को भी प्राप्त किया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के गुरु जी सलाहकार भी रहे हैं। संस्कृत अकादमी के ये गुरु जी हम लोगों के ज्योतिष विभाग से सम्मान भी प्राप्त किए हैं। गुरु जी आप आए और आशीर्वचनों से हमें आप प्यायित करें। गजानन पद्मार्कम गजानन महर्निशम अनेक दंतम भक्तानाम एक दंतम पात्महे धूरी कृत सीतार्ते प्रकटी कृत राम वैभव स्फूर्ति तारित दशमुख कीर्ति गुरुतो में प्रतिभात हनुमतो मूर्ति परमादरणीय शास्त्री जी श्री बंधु जायसवाल जी और देवेंद्र जी उपस्थित सभी हमारे अध्यापक बंधुओं छात्रों छात्राओं ईसा से लगभग 2500 साल पहले पेशावर में एक विद्वान हुए जिनका नाम आप में से बहुत सुनोगा जास्क। जास्क ने वेद के कठिन शब्दों का संग्रह किया, उस संग्रह का नाम है लिखंड। उस संग्रह में संग्रहित वेद के शब्दों का कहां कहां किन किन अर्थों में प्रयोग हुआ है इसकी व्युत्पत्ति एनालिसिस की उन्होंने उस ग्रंथ का नाम है निरुक्त। निघंटु संग्रह और निरुक्त है एनालिसिस। शब्दों की व्युत्पत्ति एनालिसिस का उपलब्ध साहित्य में उपलब्ध वांग्मय में पहला ग्रंथ निरुक्त का है। उसके पहले भी शायद रहा हो लेकिन उपलब्ध नहीं है। तो एक जगह वो लिखते हैं भार हारह के लाभो दधित्य वेदम न जानाति जोर्थम। और आगे जो लिखा हो थोड़ा सा सम्मानजनक शब्द नहीं है, जथा खरस चंदन भार वाही भारत से वित्तान चंदन से और बहुत सारी है। एक है असली पाठ क्या है, अधित्य वेदम न जानाति जोर्थम। आगे है जोर्थम गेत सकलम भद्र वश्रुते, सकल प्रकार का कल्याण पाना अगर आप चाहते हैं तो अर्थ के साथ वेद के मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, जब होना चाहिए। प्रायः देखा जाता है जो विद्वत पंडित लोग कर्मकांड में जुड़े हैं और बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत अच्छा उच्चारण है, बड़े विधिविधान से कर्मकांड करते हैं लेकिन बड़ी विनम्रता से क्षमा पूर्वक मैं कहना चाहता हूं, मुझे 99% से भी अधिक 99.5% ऐसे विद्वान जो पाठशाला के प्रधान आचार्य पद से रिटायर्ड हैं, सारा जीवन भेद पढ़ाते रहे, कर्मकांड करते रहे, ठाकर विद्वान है, नाम नहीं लूंगा मैं, मेरी उम्र के 75-75 साल को अर्थ नहीं, अर्थ चिंतन के तरफ कभी ध्यान ही नहीं। और जबकि बृहद देवता में भी यही बात आई है, नहीं कष्ट रपि नहीं कष्ट दज्ञाय यथा तथ्य न दैवतम लोक्या नाम वैदिका नाम वा कर्मणाम फल मनुदे। कर्म का फल तभी मिलेगा जब अर्थ को जाने। आप क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, इस बात की ओर मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान। दूसरा पश्य देवस्य काव्यम, ये काव्य है, इसको काव्य की तरह पढ़ना चाहिए। दक्षिण में केरल में मेरे गुरु जिन्होंने ज्योतिष के लिए प्रेरित किया कि
केरल के थे, सन 72 में रिटायर हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय से, हिंदू कॉलेज से। पांच घंटे में संपुट रुद्राभिषेक होता है केरल में गा करके, और काशी में संपुट रुद्राभिषेक विश्वनाथ दरबार में 1.5 से 2 घंटे में, पता ही नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं। जो साहब कहीं कहीं कोई शब्द 10 मंत्रों में से एक मंत्र पकड़ ले तो पकड़ ले, नहीं तो समझ नहीं आता। हमने मध्यम मार्ग निकाला है, हम 3 घंटे में कराते हैं, 12 से लेकर 14 मिनट का पर्याय होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमारे यहां, 12 से 11:30 पर डांटता हूं। अपना अपना तरीका है, पैसा मैं सवाया देता हूं हर जगह से, रेट 25% ज्यादा, लेकिन काम टाँच के लेता हूं, खैर वो अलग बात है। अब हम थोड़ा सा मुख्य पर आते हैं। आप लोग दुर्गा सप्तशती में भी वाक् सूक्त का एक मंत्र पढ़ते हैं, वाक् सूक्त का मंत्र है बंधुवर, हम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवाउ। तो क्या रुद्र इतने कमजोर हैं कि उनको धनुष तानने के लिए सरस्वती का आवाहन करना पड़ा? थोड़ा सा सोचिए, साहित्य की दृष्टि से सोचिए, थोड़ा सा तर्क लगाइए। हम रुद्राय धनुरातनोमि, रुद्र के लिए धनुष, रुद्र ने नहीं ताना, प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सरस्वती की सहायता ली, क्या बात है। कुछ विद्यार्थी हमको लेने गए थे हवाई अड्डे पर, बोला नहीं जा रहा था, गला बहुत खराब था, प्रभु की कृपा है कि दशा ने ठीक हो गया है, कल चारा ने ठीक था, दशा ने ठीक। इसके पीछे मर्म क्या है, क्रम देखिए। त्रिपुरासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवगण आर्तनाद कर रहे थे, त्राहिमाम उस करुणकार से महारुद्र का मन द्रवित हुआ। व्युत्पत्ति पर हम बाद में आएंगे। प्रथमा लीढ़ मढ़व तिगंत कटकौशलम, पहले मैं छोटे छोटे जो नए नए विद्यार्थी हैं उनके काम की बात बता दूं, फिर विद्वान वाली बात बात। तो रुद्र के मन में करुणा आई, इनकी दुर्दशा देख करके करुणा आई, उस करुणा से इनके प्रति करुणा और इनको दुख देने वाले त्रिपुरासुर के प्रति क्रोध आया। क्रोध आया तब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, उसको पड़ा बिज था, प्रत्यंचा उसकी उतरी हुई थी, उसको चाया। अब इसमें देखिए क्रम है, बाणी ही कारण बनी, बाणी ही कारण बनी, न देवताओं की स्तुति वो सुनते, न उनको दुख होता, न दुख होता न क्रोध आता। और आप अर्थ भी देखिए, शब्दकोश मन्यु दैन्य कृतौ क्रोधी, मन्यु के 3 अर्थ हैं, दीनता के लिए भी देवताओं की दीनता देख करके त्रिपुरासुर पर क्रोध आया। दैन्य कृतौ यज्ञ के लिए भी है, शतमन्यु इंद्र को कहते हैं 100 यज्ञ करने वाले, और क्रोधी क्रोध के लिए भी है। तो धनुष उठाया और जो पाठ रुद्राष्टाध्यायी का इधर होता है, दक्षिण में कृष्ण यजुर्वेद का पाठ प्रचलित है ज्यादा, हमारे यहां से थोड़ा सा कहीं कहीं भिन्न है, कहीं कहीं साम्य। नमस्ते रुद्रमन्यव, हे रुद्र तुम्हारे क्रोध को नमस्कार है। अरे क्रोध को कोई नमस्कार करता है? क्रोध तो कपा देता है, क्रोध को कोई नमस्कार करेगा? क्रोध देखेगा भागेगा जान बचा कर वहां से। लेकिन हे रुद्र तुम्हारे क्रोध को नमस्कार है,
तुम्हारा क्रोध पूजनीय है, आदरणीय है। कैसे भाई, आपके इस क्रोध से हमारा कल्याण हो गया। हमें पीड़ित करने वाला त्रिपुरासुर समाप्त हो गया, इसलिए आपके क्रोध को नमस्कार। उस क्रोध को नमस्कार। दो रूप है रुद्र के, घोर और अघोर। जाते रुद्र शिवातनूर घोरा पाप काशिनी तयानस्तन्वा संतमया गिरिशंता भी चाकशी। घोर रूप से, भयंकर रूप से उन्होंने संहार किया। किसका? त्रिपुरासुर का। एक प्रसंग और भी आया है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोड़ देता हूं। पूरी सृष्टि को ही विनष्ट करने के लिए प्रवृत्त हो गए थे देवताओं ने, प्रार्थना की महाराज अभी धनुष को प्रत्यंचा उतार दो, इसको अलग रख दो, थोड़ा अलग कर सकते हैं। तो हमारे यहां जो पाठ होता है उत्तर भारत में, पहले मन्यु को नमस्कार, उतुतय कवे नमः, बाण को नमस्कार, बाहुभ्याम भुजाओं का, जिन भुजाओं से बाण चलन भुजाओं को नमस्कार। कृष्ण चतुर्वेद में एक पंक्ति और है, नमस्ते अस्तु धन्वने, हे रुद्र तुम्हारे उस धनुष को नमस्कार है, उस क्रोध को नमस्कार है जिसके कारण आपने धनुष उठाया, उस बाण को नमस्कार है, उस धनुष को नमस्कार है। इस तरह से अगर मनन करके भावना से पाठ किया जाए, समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती। तो ये दूसरी बात हम आपको बताएंगे, रुद्र सूक्त द्वितीय मंडल का 33वां सूक्त, उसमें पहला ही मंत्र है, आते पितर मरुताम सुम्नमेतु, हे मृतों के पिता रुद्र, अब तक हमारा सूक्त हमारी स्तुति पहुंचे। इसमें आप ये ध्यान दीजिए, मृतों को रुद्र का पिता कहा है। सवित्र सूक्त में भी यही आया है, वहां भी मृतों को रुद्र का पिता कहा है। मन में एक वाक्य आया है, सवितारम जजति, जब सवितारम जजति, सूर्य की पूजा करते हैं, ओमान पवते सवित्री प्रसूतो यश एतत् पवते, सूर्य से पैदा होकर, सूर्य से जन्म पाकर ही ये वायु चलता है। अब आधुनिक विज्ञान से भाई जायसवाल साहब मिलाइए इसको, आधुनिक विज्ञान क्या करता है, सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ेगी वहां की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, लो प्रेशर बनेगा, कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। हिंद महासागर की तरफ अगर सीधी किरणें पड़ रही हैं, वहां लो प्रेशर होगा और फिर उत्तर से, उत्तर ही कहते हैं हमारे यहां, उत्तर ही बहेगी। ऐसे ही जहां भी लो प्रेशर होगा उस प्रेशर को कवर करने के लिए बाल्टी से कुएं से पानी निकालिए, चारों तरफ से पानी उसको कवर करता है ना, उस गैप को, ऐसे ही हवा का हिसाब किताब है। सवित्र प्रसूतो ये से तत् पवते, सूर्य से जन्म पाकर ही ये वायु चलता है। कोई दिक्कत है? अब एक और लिखित बहुत सारा है लेकिन गला साथ नहीं देगा, पिछले एक घंटे में 3 गोली सुवालीन खा लिया है, कुछ बोल सके जब तक चलेगा चलाएंगे। ये मूर्त सूक्त में एक मंत्र आया है, वर्तमान येषाम अनुरीयते घृतम, इन मरुदगणों के वर्तमान मार्ग में अनुरीयते
रियते घृतम, अनु माने पीछे पीछे, रियते माने टपकता है, रिसता है, रियते रिसता है क्या घी। सोचिए तो जरा, क्या बादल घी बरसाते हैं? लोग कहते हैं वेद में केवल अविधा है, ऐसा भारतीय परंपरा मानती है कि वेद में केवल अविधा है, लक्षणा व्यंजना का कोई मतलब नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं, लोगों से, कि लक्षणा नहीं तो और क्या है? इन मरुदगणों के मार्ग में घी अनुरिय, अनुमान पीछे पीछे, जिधर जिधर से जाते हैं उधर उधर पीछे पीछे से घी रिसता है, घी बरसता है, टपकता है। इसका अर्थ लगाइए, वृष्टि होगी तो फसलें होगी, चारा होगा, घास होगी, पेड़ पौधे उगेंगे, बहुत से जानवर बकरी इत्यादि पत्ते खाते हैं, कई पेड़ों के पत्ते खाती है बकरियां, बड़ा पोषक होता है दूध उसका, बकरी का। गाय को घास चाहिए, गेहूं का भूसा चाहिए, कुछ चाहिए ना। तो वृष्टि होगी तो अनाज होगा, चारा होगा और हम सब पुष्ट होंगे, सब जीवों को पुष्टि मिलेगी। दूध होगा तो ये तो घी होगा। ये रुद्र को आदिवैद्य कहा है, त्वादत्ते भी रुद्र संतमे भी शतम हिमा अशीय भेषजे भी। हे रुद्र, आपके द्वारा प्रदत्त उत्तम औषधियों का सेवन करके हम 100 साल पुष्ट रहे, हमारे पैरों में प्रतिष्ठा हो। प्रतिष्ठा का वहां आदर नहीं है, तिष्ठ का अर्थ होता है चलना, खड़ा होना, उत्तिष्ठ उठो। प्रतिष्ठा का अर्थ है खड़ा होने की शक्ति, प्रतिष्ठा का एक अर्थ ये भी है, आदर भी है। अरे जो मुकाबले में डट जाएगा उसी का आदर होगा, जो भाग जाएगा उसका आदर कहां होगा। पादे और प्रतिष्ठा, पैरों में प्रतिष्ठा, हे रुद्र हमें इज्जत। पादत्ते भी रुद्र संतमे भी शतम हिमा अशीय भेष। क्यों भाई, हम क्यों तुमको दवाई देने लगे, दवाओं का पहचान क्यों कराने लगे? भिषक तमम त्वाम भिषजाम शुणोमी। हे रुद्र, तुम वैद्यों में आदि वैद्य हो, समस्त विद्याओं के उद्भावक रुद्र हैं। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, नाट्य वेद, कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद ऐसा नहीं हो जो शिव से भिन्न किसी से उद्भूत हुआ हो। ये बात आप समझ लीजिए, सब प्रमाण कह रहा हूं, गप नहीं मार रहा हूं। विद्या काम शिवम भजे, क्यों ही नहीं कहा गया है? विद्या चाहिए तो शिव की उपासना करिए, परंपरा यू ही नहीं बनती। नाम बोला जनश्रुति है, एक जनश्रुति नहीं तो शास्त्र प्रमाण है। तो ये आप एक प्रसंग और थोड़ा सा लीजिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए, मेरी चेष्टा रहेगी ही। कहते हैं कि बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी रुद्र को पाने के लिए, देखने के लिए। वैदिक ऋषि क्या कहते हैं, असौ जो सरपति नील ग्रीवो विलोहित उतैन गोपा अधिशन अधिशन धार सदृष्टो मृयाति न। तो ये जो रुद्र है, ये नीलग्रीव है, नीलकंठ है, विलोहित है, गुण अर्थ है इसमें, नीलग्रीव है, विलोहित है, तीन रूप है। असौजस ताम्रो अरुण तो बभ्रु सुमंगल है, उगते समय ताम्र, ताम्र का अर्थ होता है गाढ़ा लाल, ताम्र का क्या हुआ गाढ़ा रक्त वर्ण, और दिन में कैसे बभ्रु वर्ण, इस समय देखिए बभ्रु, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे बभ्रु वर्ण, मोटा मोटी भूरा समझ लीजिए, और शाम को हल्का लाल होता है। असौजस ताम्रो अरुण तो बभ्रु, असौजो व सरपति नील ग्रीवो विलोहित,
तीनों रंग उसी रुद्र के हैं। तो सवेरे सवेरे गाय चराने निकले हुए गोप भी दर्शन करते हैं इस रुद्र का। उतैनम गोपा अदिशन, ये ग्वाले दर्शन करते हैं। अदिशन नुदहार जा, पहले दासियां पानी भरती थी कुएं से, नदी से पानी लाकर घरों में सप्लाई करती थी, क्यों साहब जब घरों में नलके नहीं रहे होंगे। तो ये रुद्र इनका दर्शन उदार पनभरनिया करती हैं, ये तो सुलभ है। अब आप बताइए क्या ये रुद्र सूर्य से भिन्न कोई हो सकते हैं, जिनका नित्य ग्वालों को दर्शन होता है, सबसे पहले वही निकलते हैं ग्वाले और पनभरनिया। इसमें क्या तारतम्य है? दुर्लभ दर्शन है और ग्वाले भी देखते हैं पनभरनिया भी देखती हैं। इसमें मेरे शिष्य लोग उधर पीछे बैठे हैं बालक लोग, इसमें तारतम्य है कि जो उनका भौतिक रूप है वो सर्व सुलभ है, जो उनका भौतिक रूप है विजिबल है, दैट कैन बी सीन बाय एनी बॉडी, सर्व सुलभ है। जो उनका आत्म तत्व है उसको देखने के लिए तपोबल चाहिए। कृष्ण यजुर्वेद में रुद्र सूक्त के विनियोग पर ध्यान दिया जाए। अस्तश्री रुद्र सूक्तस्य एष पुरुतो दृश्यमानः साक्षात् रुद्र विग्रह सूर्यो देवता। इस रुद्र सूक्त के देवता का अर्थ होता है सब्जेक्ट, विषय। इस रुद्र सूक्त के विषय कौन है, आराध्य कौन है, किसके बारे में रुद्र सूक्त बताया जाएगा, कौन देवता है? अस्तश्री रुद्र सूक्तस्य, इस रुद्र सूक्त के देवता कौन है? ऋषि की बात नहीं हो रही है, देवता कौन है? ये प्रत्यक्ष दृष्टिमान रुद्र के विग्रह है, इन्हीं की आत्मा है रुद्र। किनकी? सूर्य की। सूर्य आत्मा जगत, सूर्य जगत की आत्मा है, रुद्र जगत की आत्मा है। कल्पना कीजिए 5 साल वृष्टि न हो, 10-20-25 साल के बाद नहीं, 5 साल वृष्टि न हो पृथ्वी पर कहीं भी। बंगाल में अकाल पड़ा था आजादी से बहुत साल पहले, पेड़ की छाल तक नहीं बची थी, पेड़ की छाल छील छील के लोग खा गए थे, छाल तक नहीं बची थी। तो सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है? सूर्य से हो रहा है, इसलिए सूर्य को आदिदेव कहा है, और सूर्य और शिव एक हैं, इसलिए सूर्य ही आदिदेव है, सूर्य ही शिव है और शिव ही सूर्य है, यही आदिदेव दो ही है और कोई आदिदेव नहीं है, और कोई आदिदेव नहीं है, यही है केवल। थोड़ा सा हम आपको वेद से आगे ले चलते हैं, आदि कवि वाल्मीकि की ओर ले चलते हैं। मेघनाद ने माया से स्वयं अंतर्ध्यान हो करके, स्वयं लुप्त हो करके ऐसी बाढ़ वर्षा की कि श्रीराम लक्ष्मण सुग्रीव इत्यादि से मूर्छित थे। विभीषण और हनुमान जी सेना के प्रबंध के लिए, राशन पानी का इंतजाम करने के लिए दोनों कहीं गए हुए थे, ये मूर्छित नहीं थे। उस लोग बता दूंगा आपको, जब ये दोनों लौटते हैं तो देखा कोई भी बोलने की स्थिति में सब मूर्छित, कोई बोलने वाले लायक नहीं। जामवंत जी को कम मारा था बूढ़ा समझ करके, और पीड़ा के मारे उनकी आंखें बंद थी। विभीषण को उन्होंने स्वर से पहचान लिया, विभीषण को स्वर से पहचान लिया और एक प्रश्न किया कि क्या आंजनेय सकुशल है? प्रश्न करते हैं विभीषण, प्रश्न करते हैं आपने राजकुमार राम और लक्ष्मण के बारे में नहीं पूछा, सुग्रीव अंगद के बारे में नहीं पूछा, आप केवल सबसे पहले आप आंजनेय के बारे में पूछ रहे हैं, बात क्या है? कहा
अगर आंजनेय जीवित है तो हम सब जीवित हो जाएंगे, और अगर इनको कुछ हुआ जीवन तो बिहता वह हम जीते जी मर गए। जामवंत जी को यह रहस्य मालूम होता है। आदि शंकराचार्य एक स्तोत्र में लिखते हैं, रुद्रावतार बबी रावण दीर्घ दृष्टि संकोच कारण उदार हरिम भजान, ये रुद्रावतार है। गोस्वामी जी एक दिन लिखते हैं, बहुत बेहद वांग्मय है बच्चों पढ़ना, कवितावली दोहावली बरवई रामायण दुनिया भर के ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ है, 14-15 ग्रंथ। एक जगह पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान, पुरखा कौन? ब्रह्मा जी, जामवंत के रूप में ब्रह्मा जी आ गए थे, हर शंकर हनुमान के रूप में आ गए, धरते भी हनुमान। अब ये बात और आगे बता देता हूं, सुखेण वैद्य का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसीकृत में है, अन्य रामायणों में है, वाल्मीकि रामायण में सुखेण वैद्य की चर्चा नहीं है। जामवंत जी ने बताया कैलाश अब और ऋषभ पर्वतों के बीच में औषधि पर्वत है, देवताओं के द्वारा रक्षित है, औषधिया तुम उनको देखते हुए विलुप्त कर देंगे, जब प्रार्थना करोगे बताओगे मैं सत्कार्य के लिए ले जा रहा हूं, हमारा उद्देश्य सही है पवित्र है, वो प्रकट होगी। हनुमान जी ने औषधिया देख लिया आकाश से, पहचानते थे आदि वैद्य के अवतार है, रुद्र के अवतार है, और सदिया पहचान लिया, लेकिन आकाश से तो पहचान लिया, जब उतरे तो गायब। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे श्री राम के कार्य से आया हूं, आप कृपा करें, प्रकट हो गई उस सदिया। लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में औषधियों के विलुप्त होने की बात नहीं कही है, वहां के रक्षक देवताओं के द्वारा औषधियां विलुप्त कर दी गई, ये बात वाल्मीकि रामायण में है। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखा सैल नौसत चिन्ना, पर्वत तो देखा ऊपर से ही, नौसत चिन्ना औषधि पहचान नहीं पाए, चार औषधियां थी, विशल्यकरणी, संधानी, संजीवनी, समझ गया ना, संहरणी। एक का काम था कांटे को निकाल देना, मदार का दूध अगर कांटा जहां लगा हो लगा दीजिए, शाम को रात को लगाइए, सवेरे वो जगह फूल जाएगी, कांटा निकल जाएगा। मदार के दूध की एक खासियत है, हमने स्वयं आजमाया हुआ है बुजुर्गों से सुनकर, तो वो वहां के मसल्स को ढीला कर देता है और कांटा निकल जाता है। तो ये चार प्रकार की औषधियां लाने के लिए बोला गया था। तो गोस्वामी जी का जो कहना है उसमें बस बोलने का तरीका या जो कही कि कामा लगाना पड़ेगा, देखा शैल न, पहाड़ नहीं देखा, पर्वत की शोभा, झरनों की छटा, पुष्पों का सौंदर्य देखने का समय हनुमान जी के पास नहीं था, देखा शैल न, पर्वत नहीं देखा, पर्वत का सौंदर्य देखने का समय नहीं था, औसत चिन्हा औषधि के विषय औषधि के चयन पर सारा ध्यान लगाया, और जहां देखा कि ये है औषधियां सबसे बढ़िया निकल, ये अर्थ। एक लेख हमारा छपा है भोपाल से, संतेरा में छपा था, ये यही लेख है, देखा शैल न, नौ सत्य न, आदि वैदिक के बारे में बात जमती है, साक्षात रुद्रावतार है, आदि शंकराचार्य को शिव का ही अंशावतार मानते हैं, शिव के अंशावतार आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये हनुमान जी साक्षात रुद्रावतार हैं, और अन्य ग्रंथों में। और फिर जामवंत किसी को नहीं पूछ रहे हैं, श्री राम को लक्ष्मण को नहीं पूछ रहे हैं, हनुमान जी के बारे में पूछ रहे हैं, वो सकुशल है ना, अगर वो सकुशल है तो सबको किसी को कुछ नहीं होगा। एक छंद सुनाता हूं गोस्वामी जी का, कवितावली का, अच्छा लगेगा आपको। रावण सो राजरोग बढ़त विराट उर, रावण सो राजरोग बढ़त विराट उर, दिन दिन दूरों सकल सुख राक्षो,
जो विराट पुरुष है, ये पूरी सृष्टि जिसका स्वरूप है, हमारी तरफ से तो विराट पुरुष रुद्र के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। प्रसंग में एक चीज बता दूं, रुद्र के अलावा कोई विराट पुरुष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के आत्मा का विचार हुआ है। शिव शिवाग हो विष्णु विरंचित शक्र सूर्य जऊ क्रमात् विकर्तना दीना आत्मे त्याहुर्वनिष्ण। शिव शरीर, शिव आत्मा और शरीर कौन? सूर्य, यानी सूर्य शरीर, शिव आत्मा चंद्रमा शरीर, पार्वती आत्मा मंगल शरीर, कार्तिकेय आत्मा बुध शरीर, विष्णु आत्मा बृहस्पत शरीर, ब्रह्मा जी आत्मा शुक्र शरीर, इंद्र आत्मा शनि शरीर, देवराज आत्मा। आप सुन रहे हैं? आप जब देवताओं का आह्वान कराते हैं देवताओं के मंत्र से, बृहस्पति अति जदर्जो से कराते हैं बृहस्पति का, और जब अधिष्ठात्र देवों का आह्वान कराते हैं तो कैसे करते हैं? सूर्य का हवन शंकर से होता है, पार्वती अस्सी के मंत्र से चंद्रमा की अधिष्ठाता का होता है, मंगल के अधिष्ठाता के रूप में कार्तिकेय के मंत्र से होता है। तो तुक भिड़ रहा है ना, ये लॉजिक भिड़ रहा है, तर्क भिड़ रहा है। फिर जरा क्रम भी देखिए, बल का क्रम, जैसे जिसको क्या बोलते हैं भाई जायसवाल का, प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्रमेण ग्रहों में पल का क्या है? शनि है रोल नंबर 7, उनसे ऊपर है कुज, यानी शनि और कुज में से अगर कुज शनि के प्रभाव को दूर करने वाली स्थिति में है तो शनि कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। शनि से मंगल, कुज बने मंगल ऊपर है, और मंगल से ऊपर बुध है, कौन है? विष्णु। शाको बु नीचे से चल रहा है क्रम, ऊपर की ओर चल रहा है। शनि से ऊपर प्रभावशाली कौन है? मंगल। मंगल से प्रभावशाली कौन है? बुध है। और बुध से प्रभावशाली कौन है? गुरु है। और गुरु से प्रभावशाली कौन है? शुक्र है। और शुक्र से प्रभावशाली चंद्रमा है, और चंद्रमा से प्रभावशाली कौन है? सूर्य है। शुक्रा वीरजवंत क्रमेण, तो जो सबसे प्रभावशाली है सूर्य, उनसे बढ़कर के और किसको हम माने? जो सबसे प्रभावशाली है सूर्य, उनसे बढ़कर किसको माना जाए? जो साक्षात रुद्र है, रुद्र के विग्रह है, शरीर है। आप लोगों ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई खुदाई किसी ने देखी होगी क्यों शास्त्री जी? उन सीलों में सांड के सींग के बीच से उगता हुआ सूर्य दिखाया गया है। वो सांड कौन है? एवा बभ्रो वृषभ चेकितान जथा देवन हृणी चेन हंसी। ये बलशाली वृषभ कौन है? शिव का वाहन नंदी है। और वो सांड के सींग के बीच से उगता हुआ सूर्य कौन है? वही तो शंकर है। तो जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरे भी है, सीने भी है। और हम थोड़े न कह रहे हैं, सबने कहा है, हमारे कहने का ढंग अलग होता है, अलग होगा ढंग, लेकिन बातें वही है। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी? रावण जैसा राजरोग, राजरोग कहते हैं क्षय रोग को, भारत विराटूर विराट पुरुष की छाती में राजरोग हो गया, दिन दिन दोनों रात दिन दुखी रहने लगा, सकल सुख आंख सो, कोई भी सुख उसे नहीं मिलता था, बड़ा दुखी था। राम की रजाई ते रसायनी समीर सुर, श्री राम की आज्ञा से रसायनी का अर्थ है रसवैद्य। आप सुन गए ना, रसायन शास्त्र का निपुण जो वैद्य है, राम की रजाई से श्री राम की आज्ञा से ये रसवैद्य हनुमान जी ने लंका के राक्षसों को तो जड़ी बूटी बना दिया, और वहां के रत्नों का भस्म बना दिया। जातुधान रूप पुटपाक लंक जात रूप रतन जतन जारी क्रियो है मृगांकसों, मृगांक चूड़ा बड़ी एक औषधि है प्राचीन, उपेंद्र जी को ज्ञात होगा। ये मृगांक चूड़ामणि राजरोग की औषधि है। कहा श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने लंका को भस्म करके उन राक्षसों को ही बूटी बना दिया, और लंका में जो रत्न सोने थे उनका भस्म बना दिया, और बढ़िया दवाई बना दी विराट पुरुष के क्षय रोग को दूर करने के लिए। है तो वर्णन आलंकारिक, वर्णन आलंकारिक है, लेकिन इस
आलंकारिक वर्णन के पीछे भी रहस्य है। नाना पुराण निर्मागम संवितम जत कहा है, वाल्मीकि ने तो कहा ही है कि औषधियों का सम्यक ज्ञान है इनको, कोई पहचान जामयंत्र ने नहीं बताई, केवल कहा ये दो पहाड़ है कैलाश और ऋषभ के बीच में पहाड़ है, बस इतना ही बताया। गोस्वामी जी कहते हैं कि औषधियों की पहचान सुखेंद्र जी ने बताई, चमकती है, लेकिन वाल्मीकि कहते हैं कोई पहचान नहीं बताई, इन दो पर्वतों के बीच में है पर्वत, वहां देख लेना। तो हम बहुत समय आप लोगों का लेंगे नहीं, ले तो सकते हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है। ये जो आप लोग स्वस्थ वाचन करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा, स्वस्ति वाचन करते हैं, ये केवल नक्षत्र मंडलों की स्तुति है। ये दिखेगा नहीं, यहाँ चार्ट बनाया है हमने अपनी तरफ से, तो बड़ा बनाया है लेकिन वहां से शायद न दिखे, दिख रहा है। तो ये वैदिक ज्योतिष के ग्रंथों को जब खंगालेंगे तो इंद्र का जो नाम है, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्र है। आज का जो ज्योतिष है, मैंने उसको उत्तरकालीन कह लीजिए, आज का तो नहीं है, ज्येष्ठा के स्वामी कौन है, बुध है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में ज्येष्ठा का स्वामी इंद्र को बताया गया है। ये इंद्र हमारा कल्याण करे। और वृद्धस्वा कौन है, वृद्धस्वा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी है, अर्जमा भी उन्हीं का नाम है, अर्जमा। अर्जमा के बारे में वाल्मीकि लिखते हैं, ये बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक थे, गौतम के शाप से इंद्र कांडकोश गल गया, गौतम मुनि के अहिल्या वाला वृत्तांत, गौतम के शाप से इंद्र कांडकोश गल गया, बहुत से देवताओं के पास गए, अश्विनी कुमार के पास गए ट्रांसप्लांट कराने के लिए, फिर से नपुंसक हो गए थे पुरुष से पुरुष बनने के लिए, सबने हाथ खड़े कर दिए। वृद्धस्वा ने भेड़ा, जिसके बाल से कंबल बल बनता है, मेढा भेड़ा, भेड़े कांडकोश लगा दिया। इससे ये वृत्तांत बहुत विस्तार से वाल्मीकि ने लिखा है। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी कौन है, अर्जमा। अर्जमा का ही दूसरा नाम है वृद्धस्वा। एक ऋषि के विवाह का प्रसंग आया है ब्राह्मण ग्रंथों में, अघासु गावो हन्यंत अर्जुन जो परयुह्यतः, मघा में दहेज की गाय तो हाँक दी गई, वाहनधात का अर्थ मारना नहीं है, हाँकना, गाय का वध नहीं हुआ, अघासु, अघा कहते मघा को, मघा में गाय दहेज की हाँक दी गई, अर्जुन में उत्तरा फाल्गुनी में विवाह हुआ। अब ये किसी देवी के विवाह का भी प्रसंग आता है, किसी ऋषि कन्या के विवाह का भी प्रसंग आता है। कालिदास मैत्र मुहूर्त का वर्णन करते हैं, मैत्री मुहूर्ते शशलांचने न योगम गतासु उत्तर फाल्गुनीसु, ये उत्तरा फाल्गुनी की बात वहां भी आई है। पार्वती के शरीर में जो उबटन लगाया गया, तेल लगाया गया, हल्दी लगाया गया, उत्तरा फाल्गुनी में लगाया गया। पार्वती के नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र से आठवां नक्षत्र है, और आठवें तारे को क्या कहते हैं भाई, मित्र तारा कहते हैं। जन्म संपद विपद क्षेम प्रत्यरी साधक बध मित्र अति मित्र, आठवें तारे का नाम क्या है, मित्र तारा। तो पार्वती के जन्म नक्षत्र से आठवें नक्षत्र में तस्या शरीर प्रतिकर्म चक्र हूं है? तो इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा कि ये जो नक्षत्र चक्र है, इसमें उत्तरा फाल्गुनी का नाम बाद में आया और ज्येष्ठा का पहले आया। उसका कारण ये है कि ये जो स्वस्थिनस्तार्थ्यो अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी जो है एक कृतिका का प्राचीन नाम है, कृतिका नक्षत्र के स्वामी अरिष्टनेमी है, और ये अरिष्टनेमी और कोई नहीं, सूर्य है। ये अरिष्टनेमी कौन है, सूर्य। तो कृतिका से जब चलेंगे आप ऐसे,
मृतिका से आगे बढ़ेंगे तो रोहिणी मृषा आर्द्रा पुनर्मुख्य आश्लेषा सातवां नक्षत्र पड़ेगा। सातवां नक्षत्र किसका है? आश्लेषा सर्प का, तार्क्ष का। स्वस्तिन तार्क्ष्यो है ना, अरिष्ट नेमी ही। तो तार्क्ष जो है कौन? सर्पाधिराज, सर्पों के राजा, ये आश्लेषा नक्षत्र का प्राचीन नाम है। तो ये सात सात नक्षत्रों के ये तीन चक्र हैं, त्रिनाभि चक्रम अजरम अनुरूपम। तीन नाभि, यहाँ नाभि का अर्थ है जोड़। क्यों बेटा बोर हो गई? अच्छा जाओ, इसमें एक मंत्र आया है, इसको इसमें घटाइए। सप्तजुंजंति रथमेक चक्रम, सप्तजुंजंति रथमेक चक्रम। उस एक चक्र में सात घोड़े जुड़ते हैं, सप्तजुंजंति। और एको अश्वो बहति सप्त नाम, एक ही घोड़ा है उसके सात नाम है। त्रिनाभि चक्रम अजरम अनुर्वम जत्रेमा विश्वा भुवनानि पश्चिहु। अब ये तीन नाभि वाला चक्र, ये सात सात नक्षत्र के तीन खंड है। जैसे पंखे में आप देख रहे हैं तीन होते हैं, इस तरह से सात सात नक्षत्रों के तीन खंड है। और हर सात नक्षत्र के बाद दो दो नक्षत्र है, ये देखिए संधि वाले, ये दो नक्षत्र संधि में आ गए। समझे? थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। देखिए स्वस्थ ने इंद्रो कहा, तो इंद्र माने ज्येष्ठा, ज्येष्ठा से आगे मूल और पूर्वाषाढ़ा को छोड़ दिया, इसमें परिगणन नहीं है, गिनाया नहीं है मूल और पूर्वाषाढ़ा को। उसके बाद उत्तराषाढ़ा है जिसके सभी कौन है? विश्वदेव। तो स्वस्ति ने पूषा विश्वदेवा, पूषा जो है रेवती के स्वामी है, रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है? पूषा नाम के देवता। तो पूषा और विश्वदेवा ये सात हो गए, और इंद्र और वृद्धसवा ये सात हो गए, और तार्क्ष और अरिष्टनेम ये सात हो गए। तो सात्री के 21 नक्षत्रों का यहाँ, जैसे आप क्या बोलते हैं भाई, है आदिरंती है ना, सहेता है ना, हाँ पहला और आखिरी लेयर बीच का आ गया ना, वो दो दो नक्षत्र बीच के छोड़ दिए तो दो तीन छह वो हो गए, तो 21 और 6 27 हो गए ना, है? ये है त्रिनाभि चक्रम, तीन नाभि वाला। यह नाभि का अर्थ जोड़ है, नाभि का अर्थ वो नाभि नहीं है, नाभि तो बीच में होता है, नाभि का अर्थ ये परिधि नहीं है। इस परिधि में तीन जोड़ है, यहाँ नाभि का अर्थ क्या है? जोड़ है, तीन जोड़ है, और हर जगह जोड़ में दो दो नक्षत्र आ गए हैं, और बाकी सात सात नक्षत्र जोड़ से बाहर है। ऋग्वेद में प्रथम मंडल के 152वें सूक्त में आया है, अनश्पो जातो अनभीष्ट रर्वा कनिक कृतत पदयतानु, बिना घोड़े के ये पैदा हुए थे, कहीं घोड़ा उड़ा नहीं है। ये घोड़े का वर्ण कैसा है? अलंकारिक है। एक ऋषि कहते हैं कि ये जो सात रश्मियां हैं सूर्य की, आतिशी शीशा में देखिएगा भैया, आतिशी शीशा में बढ़िया हीरा किसी के पास हो देखिएगा, हीरे में भी सात रंग सूर्य की किरणों के दिखाई दे जाएंगे, आप सातों रंग दिखाई देते हैं। और एक विशेष प्रकार का शीशा होता है जिसको आतिशी बोलते हैं, उसमें भी दिखाई देता है। तो इन सात रश्मियों को ही सात घोड़ा बताया गया है। तो अब ये जो निष्कृति बात आई है शास्त्री जी, ये रुद्र जो है बात चमकदार बड़ा देव दीप्यमान, निष्क माने हार पहनते हैं। अब ये जो मैं कहने जा रहा हूं कहीं पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन मेरे मन की भावना है, इस पर आप लोग मनन कीजिएगा। मुझे लगता है कि रुद्र जो चमकदार और बहुविध रूप युक्त कहा है, विश्वरूपम, वो हार कैसा है? अनेक रूप वाला, अनेक प्रकार के रंगों वाला है, ऐसे हार को पहनते हैं। मुझे लगता है ये जो नक्षत्रों का हार है, ये जो हार है इसी हार को पहनते हैं। ये विश्वरूप कैसे हुआ? इसमें कुछ नक्षत्र अमृत तत्व वाले हैं और कुछ विष तत्व वाले हैं। विष तत्व वाला ग्रह जब विष तत्व वाले नक्षत्र के नीचे जाएगा, पहले नक्षत्रकार थे, बच्चों को समझा दूं, नमन नहीं है नक्षत्र, छाता, जिसके ऊपर छाता नहीं है वही नक्षत्र है।
नक्षत्राणाम उपस्थे सोम आहिता, नक्षत्रों की गोद में, तो गोद यहां नहीं होता है, गोद यहां होता है, गोद यहां नहीं होती है। नक्षत्रों के गोद में अमृत स्थित है, तो नक्षत्रों के गोद में अर्थात मेष राशि के जो प्रॉपर्टीज हैं, या विज्ञान के लोग भी बैठे हैं, जो उसके गुणधर्म है, सूर्य को रास आते हैं, सूर्य वहां बलि हो जाते हैं। तुला राशि के जो गुणधर्म है उस शनि को रास आते हैं, शनि महाबली हो जाते हैं, और ठीक उल्टे तुला पर सूर्य जाकर के बहुत कमजोर हो जाएंगे, अस्त कहते हैं, अस्त हो गए, नीच हो गए, और मेष पर शनि नीच हो गए। ऐसे क्यों? इसका अर्थ ये हुआ कि जल में जल जाएगा तो आनंदित होगा, आग में खी जाएगा तो और आग को बढ़ाएगा, लेकिन आग में अगर पानी डालिए तो दोनों का सह अवस्थान नहीं हो सकता। आग अगर अधिक है तो जल को भाप बना के उड़ा देगी। एक क्विंटल अग्नि है, दो गिलास आप डालिए, दो मिनट में भाप बन के उड़ जाएगा और अपने फिर जो की तो निकलेंगी, है ना। और 5 किलो आग है और 20 किलो पानी डाल दीजिए, कीचड़ बन जाएगा वो। तो इनकी सह एक साथ रहना, सह अस्तित्व इनका संभव नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र का, वैदिक ज्योतिष शास्त्र का भी, और आज जो अब तक हम तक आया है वहीं से आया है, थोड़ा बीच बीच में उसमें कुछ है ना। अब जैसे पहले इंद्र थे ज्येष्ठा के मालिक, अब बुध हो गए हैं, है ना। संजोग से मेरा नाम, मेरे नाम में इंद्र जुड़ा है, और विष्णु वाला नाम इनका है, है ना। तो कभी मेरा नक्षत्र रहा होगा, अब इनका नक्षत्र है वो। समय बदलता है। तो मैं ये बता रहा था कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू आवर फोर फादर्स और एंसेंट रिसीज एंड वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, इज दैट एवरी प्लैनेट मे बी द बेस्ट इन अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एंड एवरी प्लैनेट मे बी द वर्स्ट इन अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। हर हाल में कोई ग्रह अच्छा नहीं होता, हर हाल में कोई ग्रह बुरा नहीं होता। तुला कोदंड मीनस्था लग्नस्थ विषलश्चर करोति भूपतेर जन्म वंशे चंद्रपतेर भवेत। तुला और धन और मीन तीन राशियां 12वें से ऐसी हैं, इनमें अगर शनि हो, लग्न में हो, तो बुरा दबरा देता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा गया है। दो उदाहरण हमारे सीनियर्स ने बताए हैं, एक राजस्थान का, एक दक्षिण का, विंध्याचल से दक्षिण का, बहुत दूर दक्षिण में। राजा के भतीजे की कुंडली में उच्च का शनि लग्न में है, तुला का, या फिर धनमीन, तीन ही राशियां हैं अपवाद, धनमीन दो गुरु की राशियां। राजा का एक लौता वारिस युद्ध में या बीमारी में मर जाता है और भतीजा राजा बनता है। भाई का लड़का या बहन का भांजा भी बना है, एक जगह भतीजा बना है और एक जगह भांजा बना है। तो शनि का तो अपना काम ही है, जमराज है, रास्ते में जो आया है, राजा मन में जो रुकावट है उसको ऊपर भेज देंगे, चाहे वो युद्ध में है चाहे। अब सुनिए ना, करोत भूपतेर जन्मा वंशे चंद्रपतेर भवे। एक शर्त उसमें है, राजा के वंश में होना चाहिए, सुन गए ना, हर किसी के नहीं, राजा के वंश में हुआ। पीछे बड़ा भारी विदुर वाला किंतु है, विदुर सब कुछ सुन के करते थे, किंतु करके काट देते थे। तो वंशे चंद्रपति भवित, राजा के वंश में अगर होगा तो ये योग। बिहारी भी बहुत बड़े जानकार थे ज्योतिष के, गोस्वामी जी की तरह से, आप अच्छे खासे साहित्य शास्त्री हैं, कॉमर्स तो करने के लिए है। तो उसमें बिहारी क्या लिखते हैं, शनि कज्जल चख झख लगन, शनि कज्जल चख झख नयन, उपजो सुदिन स्नेह, क्यों नृपति वे भेद वै लही सुवंग सब देव। इसमें श्लेष अलंकार है। नायिका के आंखों का वर्णन करते हैं, प्रसंगांतर नहीं है। देखिए कि ज्योतिष को कितना मधुर बना दिया बिहारी ने, शनि कज्जल, नायिका के आंखों में जो काजल है वो शनि है,
और मछली जैसे आंखें मीनाक्षी है वो। उपदेव सुदिन स्नेह नायक और नायिका का परस्पर अवलोकन एक दूसरे की तरफ दृष्टिपात हुआ, समझे। उपदेव सुदिन, हाँ सुदिन का अर्थ है अच्छे मुहूर्त में, अच्छे लग्न में, अच्छे नक्षत्र में स्नेह क्यों नृपति हुए भोग हुए। जैसे लग्न में मीन लग्न में जन्म होने पर और मीन लग्न में शनि होने पर सब सुवंग को प्राप्त कर लही, सुवंग राज्यांग कोष दुर्ग सेना इत्यादि राज्य के अंग है, राज्य के समस्त अंगों को प्राप्त करके ये क्यों नहीं भोग करेगा राज्य का, क्यों नहीं करेगा, अर्थात अवश्य करेगा। ऐसे ही नायक और नायिका के पक्ष में होगा उसमंग अंग का शरीर के अंगों से हो जाता है। बड़ा गहन शास्त्र है और दबाव ओजियो रुद्र स्वरस्थी हे रुद्र, तुमसे बढ़कर के ओजियो कोई हो ही नहीं सकता, तुमसे बढ़कर के तेजस्वी कोई हो ही नहीं सकता, एक जगह ऋषि कहते हैं। फिर कहते हैं कि हे रुद्र हमें सद्बुद्धि दो, ये रुद्र हमें सद्बुद्धि दो। क्या दो सद्बुद्धि, क्यों माते रुद्र चक्रधामानमो भी मा दुस्तुति मा दुस्तुति वृषभमा सहुति। हे बलशाली हम तुम्हारे अयोग्य स्तुति करके तुम्हें नाराज न कर दे, क्रोध न कर दे, क्रुद्ध न कर दे। सहुति का सहुति सहसा आवाहन, साथ साथ बुलाना। अरे भाई राजा को और उसके बॉडीगार्ड को आप एक साथ बुला देते हैं तो राजा का सम्मान तो घट गया, बॉडीगार्ड का सम्मान बढ़ गया, उसके सेवक का सम्मान तो बढ़ा दिया आपने, राजा का तो घटा दिया ना। हे रुद्र हमें सद्बुद्धि दो। माते रुद्र चक्रधामा नमो भी, यह नमस्कार का अर्थ केवल प्रणाम नहीं, पूजा। तुम्हारे से बहुत छोटे तुम्हारे अलावा तुम्हारे बराबर कोई है नहीं, इसलिए किसी और के साथ तुम्हारी पूजा करके नाराज न कर दे। नमो भी वहां नमस्कार का अर्थ क्या है, पूजा। हे रुद्र तुमसे हीन देवताओं के साथ तुम्हारी पूजा करके नाराज न कर दे, तुमसे हीन देवताओं के साथ तुम्हारा आह्वान करके तुम्हें नाराज न कर दे। तुमसे पढ़कर के ओजी कोई हो ही नहीं सकता। अब आप बताइए क्या राजा परिक्रमा करता है, राजा वही है जिसकी परिक्रमा हो रही है, राजा सूर्य है जिनकी परिक्रमा सातों ग्रह कर रहे हैं, ये सारे नक्षत्र कर रहे हैं। अब सुन रहे सूर्य और रुद्र में अभेद है, वर्षा के देवता रुद्र हैं, इंद्र के सखा है मरुद्गण, इंद्र के सखा है मरुद्गण, सौतेले भाई भी हैं बाद के आख्यानों के अनुसार, वेद के अनुसार नहीं बाद के आख्यानों के अनुसार इंद्र की सौतेली मां से जन्मे, इंद्र के सौतेले भाई हैं, लेकिन बंती बहुत है, आपस बहुत पटती है। वृत्तस्य स्वच्छता दीशमाणा विश्वे देवा अजुर्दे सखाय मरुद्भिरिंद्र सक्षम अस्तु अथई ना विश्वा प्रतनादया। वृत्रासुर की गर्जना से हे इंद्र सारे देवता तुमको छोड़कर भाग गए, जान बताकर अकेला छोड़कर भाग गए। हे इंद्र मरुतों से तुम्हारी मैत्री बनी रहे, मरुद्भिरिंद्र सक्षम ते अस्तु, एक लोक हो गया मरुद्भिरिंद्र सक्षम तर अस्तु, केवल मरुद्गणों के साथ रहने से सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो ये इंद्र ये शुक्र है। अब अंतिम बात कर देता हूं आज की तारीख में, भाई अगर शुक्र इंद्र है तो ये शुक्राचार्य कौन है, शुक्र को तो इंद्र बताया ना। देखिए शुक्र की आत्मा इंद्र है, इसमें इंद्र शब्द ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए आया है वैदिक ज्योतिष में, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्र है देवता, नक्षत्रों के स्वामी के क्रम में इंद्र को और ज्येष्ठा को भिन्न बताया है। लेकिन जब शुक्र की बात करेंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, तीन तीन नक्षत्र नौ ग्रहों के हैं, तो इसका समाधान है बहुत संक्षेप में
हेली का उच्छल तारा दिखाई देता है, 70-72 साल या 75 साल में एक बार दिखाई देता है। हेली ने पैदा नहीं किया और वो उच्छल तारा भी हेली नहीं है, हेली नामक विद्वान ने उसको लोकेट किया, उसको ढूंढा। जिसने ढूंढा उसके नाम पर उसका भी नाम रख दिया गया हेली का उच्छल तारा। इंद्र नामक तारा जो आकाश में दिखाई देता है, इंद्र जो दिखाई देते हैं, इनके अन्वेषण का काम शुक्राचार्य ने किया। शुक्राचार्य ने इंद्र को ढूंढा। अयं वेनस चोदय कृष्ण गर्भा ज्योतिर्जरायुरदसो विमाने। और ये देखिए वीनस, वेन भार्गव उनका नाम था। अयं वेन, अंग्रेजी में आप वीनस बोलते हैं, हमारे क्या वेन विसर्ग का स होता है, सतेज विसर्ग बना है, रामस से राम बना है। तो शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु है, उन्होंने देवराज इंद्र की खोज की, ये इंद्र है, इसलिए शुक्र के नाम पर ही उनको भी शुक्र कहा जाने लगा। वास्तव में शुक्र के अधिष्ठाता के रूप में त्रातारम इंद्रम अवितारम इंद्रम मंत्र से हवन होता है। अब ये बताइए, शुक्राचार्य का हवन कहीं इंद्र के से होगा? वो तो इंद्र के शत्रुओं के गुरु हैं। तो बंधुओं और विद्यार्थियों, हमने थोड़ा सा बीज डाल दिया है। कुछ लोगों के पास पहले से बीज था, कुछ हमारे दिमाग में जो पढ़ते पढ़ाते कुछ बात आई, बीज डाल दिया है। और उल्टो सीधो जामी है बड़े खेत में धान। धान अगर खेत में फेंक दिया जाए, छींट दिया जाए, ऐसे सीधा पड़े, उल्टा पड़े, तिरछा पड़े, आड़ा पड़े, कैसा पड़े, उगेगा ही उगेगा। इसको पुष्पित पलवित कीजिए, चिंतन मनन कीजिए और फसल तैयार कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, आपने धैर्य से सुना, बहुत धन्यवाद। और ये महादेव की कृपा है कि हम बोल पाए। कल तो मुझे लगा कि हमको 2 मिनट भी बोल नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब ने आचार्य जी, आचार्य मिश्र जी का व्याख्यान सुने। वस्तुतः बहुत ही शोध परक आपका व्याख्यान था, शायद मुझे लगता है कि एक रिसर्चर के क्रम में व्याख्यान था। बहुतों को बहुत सी समझ में आई होगी, बहुत से ऐसे गुण, ऐसे विषय थे कि जो नहीं भी समझ में आए होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे ऐसे इन विषयों में ऐसे टर्मोलॉजिकल विषय हैं कि जिसको हम धरातल पर जब उसके प्रारंभिक ज्ञान होगा तभी हम उन चीजों को समझेंगे। लेकिन आपने रुद्र के विषय में जिस ढंग से व्यापक भाव में जैसे आपने बताया, वह एक बहुत ही सुंदर ढंग से शास्त्रीय पक्षों के साथ साथ वैदुष्यपूर्ण क्रम में आपने व्याख्यान दिया। मैं इस बात को थोड़ा सा, जो कि वैदिक विज्ञान के क्रम में थोड़ा सा ना इसमें कुछ आप लोगों से उन विषयों को तारतम्य जोड़ते हुए कुछ बात कहना चाहता हूं। देखिए, आचार्य जी ने निरुक्त की चर्चा की। आचार्य यास्क ने जब देवता का, हमारे यहां दैवत कांड है, मतलब जिसमें देवता का विषय में चिंतन किया गया, तो देवता के क्रम में जब चर्चा आती है तो वो देवताओं को 3 भागों में बांटते हैं। अच्छा, आपको बताऊं कि देवता किसे कहते हैं, पहले इसको भी जानिए। देवता जो है, जो हमें, हमको अपने ज्ञान से प्रकाशित करता है, या अपने ऊर्जा से, अपने तो प्रकाशित होता ही है, आपको भी प्रकाशित करता है। इसको समान रूप से इसको इस रूप में समझे, देवता ध्यान दीपनाथवा द्योतनाथवा। तो अपने ज्ञान से, अपने ऊर्जा से स्वयं तो प्रकाशित होता ही, आपको भी प्रकाशित करता है, यह एक सामान्य अर्थ है। इन देवताओं को उसके तीन वर्गीकरण है। तीसरा देवता इति नैरुक्ता, 3 प्रकार के देवता हैं। एक जो है अग्नि, दूसरा वायु और तीसरा सूर्य। तो अग्नि जो क्या है, पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि है। संपूर्ण पृथ्वी में चर अचर जितने भी प्राणी हैं, पदार्थ हैं, स्थावर है, जंगम है, जो कुछ है, उसका जो देवता है वह कौन है, अग्नि। दूसरा देवता जो है वह वायु है,
लेकिन किस स्थान में? अंतरिक्ष स्थान। अंतरिक्ष की भी परिभाषा है कि अंतरिक्ष कौन सा माना जाता है। अंतरिक्ष मतलब दिया है हमारे यहाँ यास्क ने ही चर्चा की है, सायण ने भी किया है कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं। तो अंतरिक्ष जैसे कि पृथ्वी से कितने ऊंचाई के क्रम में, सब वो अंतरिक्ष ही है और कितनी सीमा तक अंतरिक्ष का क्रम है। तो लेकिन अंतरिक्ष बहुत व्यापक क्रम में है। तो अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है वह वायु है और तीसरा जो है द्विस्थानी। द्विस्थानी जो है वह उसका सूर्य है, अर्थात अग्नि वायु और सूर्य, ये तीन देवता है। और इन तीन देवताओं के क्रम में आगे कहते हैं निरुक्तकार, तासाम महाभाग्यात एकैकस्यापि बहूनि नामधेयानि भवन्ति। उन महाभाग्यात मने परम ऐश्वर्य के कारण, तासाम मने उन देवताओं में से एकैकस्यापि मने एक के भी, बहूनि मने अनेक, नामधेयानि भवन्ति नाम होते हैं। मतलब जैसे अग्नि है, वायु है और सूर्य है, इसके नाम भेद से अनेक देवता है। इसीलिए कहा अनंता वही देवा, श्रुति वाक्य है, माने देवता भी अनेक हैं, जिसको हम लोक में 33 कोटि देवता की संख्या भी कहते हैं। इसको एक सामान्य, अच्छा इसके विषय में आगे इन देवताओं का आकार प्रकार इनके विषय में भी चिंतन यास्क ने किया है, आकार चिंतनम किया है। लेकिन उसने कहा कि पुरुष विधाहा भवंती, ये देवताएं जो है वह पुरुष के रूप में ही होते हैं। इसी क्रम में आगे बात आती है कि अब इसको मैं विज्ञान से थोड़ा सा जोड़ने की बात कर रहा हूं और फिर रुद्र के विषय में भी अपने बातों को रखूंगा कि ये जो देवता हैं अभिमानी व्यपदेशस्तु, आगे आगे आता है। अभिमानी व्यपदेशस्तु का तात्पर्य होता है कि हमारे यहां जितने भी जड़ पदार्थ है वो चेतन पदार्थ है। मतलब ये पृथ्वी स्थानी, अंतरिक्ष स्थानी और वायु स्थानी में जितने भी आपके चेतन प्राणी हैं, जैसे मनुष्य चेतन प्राणी है, ऐसे अनेक जो चेतनवान दिखाई पड़ता है कि वो चेतनवान है, लेकिन जो चेतन नहीं भी है उन सब के देवता है। मने एक एक पदार्थ, चाहे पत्थर हो, मिट्टी हो, बीज हो, जल हो, जितने भी पदार्थ जो चेतन युक्त नहीं दिखाई पड़ते हैं उनमें भी चेतन तत्व है, ऐसा वेद मानता है। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक दृष्टि है, क्योंकि आज जो है विज्ञान इसको कहने लगा है कि प्रत्येक जड़ में भी चेतन की जो परिकल्पना है यह वेद कहता है। आज विज्ञान उसी को कॉन्शियसनेस के रूप में देख रहा है और कॉन्शियसनेस के रूप में जो आज विज्ञान पर हमारे यहां कम पश्चिमी देशों में बहुत ही कार्य हो रहे हैं और उसका मूल जो तत्व है वह निरुक्त का यही अभिमानी व्यपदेशस्तु। और रुद्र के विषय में आचार्य जी ने जैसा बताया कि रुद्र जो है, रुद्र शब्द जो है रुतम दुखम द्रावयति तो रुद्र, जो दुखों को दूर करने वाला, पापों को नाश करने वाला, अनेकानेक अर्थ है उसके, जो अनेक स्वरूप के विषय में जैसे आपने आचार्य जी ने जिस ढंग से बताया यह आप ही का पुरुषार्थ है, सभी इस प्रकार से व्याख्यान नहीं दे सकते। तो कहने का भाव यह है कि यह इन देवताओं की जो संकल्पना है वह प्रत्येक जड़ में चेतनत्व की जो अवधारणा है वह उसको हम देववाद की परिकल्पना से हम देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेदन करती हूँ कि वो कोई अगर शंका हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है कि देवता की परिभाषा उन्होंने बताई, तो भगवान और क्या है और देवता और भगवान में क्या कोई अंतर है? बहुत बहुत क्या सुनना है आपका वैद्य अपूर्व प्रियदर्शी। अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो भैया देव अकस्मात निरुक्त में बड़ी अच्छी एनालिसिस है, उत्पत्ति देव अकस्मात, देव शब्द कैसे बना, दानाद्वाद द्योतनात्मा, दानशील हो या द्योतनशील हो, सूर्य
सबको दे रहे हैं, इसका बिल भरना पड़ता होगा एक बच्ची का, और कभी सूर्य को बिल दिया हमने आपने? कोई बिल नहीं। ज्योतमान है, दानशील है, भक्तों को भी दानशील बनाते हैं। आप जिसकी उपासना करेंगे उसके रंग में रंग जाएंगे, तभी उपासना कर पाएंगे। देवो भूत्वा देवं जने, विष्णु की उपासना करेंगे तो श्वेत चंदन लगाएंगे, भोलेनाथ की उपासना करेंगे तो भस्म लगाएंगे, है ना। देवी की उपासना में लाल चंदन और लाल वस्त्र होता है। तो देव सब है, इंद्र भी देव हैं, वरुण भी देव हैं, पूषण भी देव हैं, है? 33 कोटि करोड़ नहीं है, वहां श्रेणी है, कैटेगरी 33 कैटेगरीज है। द्वादश आदित्य, 11 रुद्र, 12 11 23, 8 वसु है, 30 8 31, और दो और है। कौन है भाई दो और? दो और है, प्रजापति और मन। हाँ बिल्कुल ठीक, 33 देवता है, सही बताया आपने। तो ये 33 प्रकार की देवता है। इनका जो जो सब में समा गया है, तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत, जो वैदिक भाग में आया है कि सृष्टि करके सृष्टि के कणकण में समा गया। तत्सृष्ट्वा, इस जगत की सृष्टि करके, तदैवानुप्राविशत, उसी में प्रविष्ट हो गया। कालिदास को ले आता हूं मैं, बड़े भारी शैव थे हमारी, उनसे पटती है। तो पार्वती की तपस्या के प्रसंग में ब्रह्मचारी का वेश बना करके कालिदास आए, भगवान शंकर आए और कहते अरे इंद्र से विवाह करो, विष्णु से करो, शंकर में क्या रखा है? श्मशान में घूमते हैं, तुम कालीन पर चलने वाली और उनके साथ विवाह करोगी तो वो जो मृतकों के परिवार के लोग आए होते हैं उनके केशों पर वगैरह वगैरह। और वर में क्या देखा जाता है? कन्या चाहती है कि सुंदर वर हो, माँ चाहती है कि धनवान हो, खूब खिलाए पिलाए घुमाए, पिता चाहता है कि विद्वान हो, कहीं सभा मूर्खता की बात करेगा तो यही दामाद ढोड़ा है, मूर्ख आदमी को ढोड़ा है। मल्लिनाथ ने कालिदास के उस श्लोक की टीका में लिखा है, भोलेनाथ ब्रह्मचारी वेश में कैसे निंदा करते हैं, बपुर विरूपाक्ष मलक्ष जन्मता दिगंबरत्वे न निवेदितम वसु भरेसु जगबाल मृगाक्ष मृग्यते तदस्त किम व्यस्तम अपि त्रिलोचने। तीन चीजें देखी जाती हैं, इनमें को नहीं है, तीन नहीं चार, चार कौन सी? कन्या वरयते रूपम, कन्या चाहती है सुंदर हो पति, माता वित्तम, माता चाहती है कन्या की धनवान हो, पिता श्रुतम, पिता चाहता है विद्वान हो, और भाई बंधु चाहते उसके भी भाई बंधु हो, क्योंकि दो परिवारों का रिश्ता होता है, दो व्यक्तियों का नहीं, उसके भाई बंधु हो। तो ऐसे से शादी करोगे कि कुल का ही नहीं पता, अलक्ष्य जन्मता, कब पैदा हुए कौन के जनक से पता ही नहीं। पार्वती उत्तर देती हैं, जमा मनंत्या प्रभुपि कारणम कथम से लक्ष्य प्रभुवो भविष्यति। आप प्रभु कहते ब्रह्मा को, ब्रह्मा के भी जो कारण है, कारण कहते जनक को, कारण माने जनक, जो ब्रह्मा के जन्म है, अंडरस्टूड विष्णु के भी जनक है, जो ब्रह्मा और विष्णु के जनक है, कथम सा लक्ष्य प्रभु भविष्यति, उसके जन्म को कौन जान सकता है? तो स्वयंभू केवल और केवल महादेव है, रुद्र है, समझ गया ना। तो देवता केवल वही है, केवल रुद्र देवता है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। आप जिस रूप में चिंतन करो, रुद्र का चिंतन करो, और रुद्र के चिंतन में सबका चिंतन, सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना हाथी के पांव में सबका पांव। तो केवल रुद्र या सूर्य दोनों एक है, सूर्य शरीर है, रुद्र आत्मा है, ये है देवता, महादेव है। महादेव शब्द और किसी के साथ नहीं लगता, देवता सब है, महादेव केवल सूर्य और शिव है, ये महादेव और बाकी सब देव है, है ना। यहाँ बैठे हुए भी देव है, ये भी ज्योतनशील है, इधर भी देखो कितने ज्योतनशील है, जो चमक रहा हो और तुम्हें चमका सकता हो सब देव है। धन्यवाद सर।